चीज भाई जान पकड़ते हैं सबसे पहले और जल्दी जल्दी से आपको बता किधर निकलते हैं। जल्दी जल्दी से हम जब भी निकल रहे होते हैं कहाँ निकल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ निकल रहे होते हैं। आज तुम लोगों को वेस्टीज भी दिखाएं और बाहर का मौसम भी दिखाएं। ब्रो ब्रो बाहर के मौसम का सीन ऐसा है कि हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी ऐसा फील हो रहा है कि अब सर्दी आ रही है। आ रही क्या, आनी शुरू हो चुकी है सर्दी, हल्की फुल्की सी मीठी सी। और कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप, वो भी धूप मीठी ठंडी हवा वाली। और हसीब भाई यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं और वहाँ से हमें बैंडंग का आवाज़ दे रहा होता है और ये यहाँ पर फिर रहे होते हैं और हम जा रहे होते हैं। सलाम वाली हसीब भाई, ठीक हो? हसीब को देखा आपने, हसीब नया बच्चा है लेकिन ये इधर ही रहता है हमारी गली में, लेकिन चुप चुप रहता है। हसीब आप बोलने की कोशिश नहीं करते क्या? बोलना आता है आपको? आता है। अच्छा, आपको ये भी नहीं आवाज़ आई होगी कि इसे बोलना आता है, लेकिन मौसम बहुत कमाल है। लेकिन अब हम मौसम का बताते नहीं है और हम सीधा अभी यार एनर्जी वगैरह बच्चों की बात भी सुन लेते हैं। बच्चों की बात क्या, जल्दी से हम निकलते हैं, भले इन लोगों की बात सुन लो फिर हम निकलते हैं। ब्रो हु अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। बाइक पार कर दी और बाकी सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, लेकिन ये वाला एंगल क्या है, बाइक पार कर दी, ये बड़ी कमाल परमानेंट है। लेकिन यार चेक करो यहाँ पे से तो पता नहीं चल रहा, वो देखो काले काले बादल आए हुए हैं यार यहाँ पर। तो चलो आप काले काले बादल दिखा दिए, आप अंदर जरा चाहो आए यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। बस दुआ करो यार जल्दी से चलान फॉर्म मिलते, बस जल्दी जल्दी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में काम भी दूसरे भी बड़े हैं। अभी घर जाके दोबारा एक और काम पे जाना है वहाँ पे, बस अब जल्दी करो। बिल्डिंग में पहुँच गए हैं, चलान लेते हैं, दुआ करो मिल जाए। लेते क्या, मिलेगा तो लेंगे ना, और फिर निकलते हैं वापस। तो भाई लोग डन, शुक्र है चलान फॉर्म अपना मिल गया। ये चेक करो, आहा चलान फॉर्म अपना मिल गया। क्लासेस वेरी वेरी सून स्टार्ट होने वाली, बस अब चलान फॉर्म इजी होकर जमा करवा देंगे और टेंशन अपनी बिल्कुल ख़त्म। और मैं भी जल्दी जल्दी से जितनी जल्दी मैं भाग के आया हूँ, जितनी जल्दी मैं भाग के बस बाहर भी निकल रहा हूँ। बस जल्दी जल्दी घर नहीं कर रहे क्योंकि घर जाके एक और काम पे जाना है, वो मैं घर जाकर आपको बताता हूँ कहाँ पर हम लोगों ने जाना है। पहुँच चुके हैं घर और पानी पीने का बस गुंजाइश इतनी सी है कि हम बस पानी पिए और साथ ही निकले। आगे किधर निकलना है भाई मैं बताता हूँ सारा, एक मिनट पानी पी लूँ यार। लिटरली जब भाग दौड़ में काम करना हो ना, तब खाने पीने पानी पीने का ना सब कुछ चीजें साइड पे, हालत खराब वो साइड पे। ब्लॉग बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ता है, लेकिन बनाया जाता है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना। तो अब जल्दी से ब्लॉग तो हम बना रहे हैं, साथ साथ पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह पी लिया। तो अब हम जा रहे हैं सीधा, हम बैंक जा रहे हैं भाई जान, बिल जमा करवाना, उसकी भी लास्ट डेट है। तो उसके लिए कौन किसको निकलना पड़ेगा, मेरे को ही निकलना पड़ेगा। और निकलता हूँ यार, शाम भी होने वाली है भाई, बस दुआ करो बिल जमा हो जाए। भाई अलग ही टेंशन हुई पड़ी है उसकी, शाम हो गई है, सूरज हल्का हल्का नीचे जा रहा है और रोड पे खड़ा हूँ। लिटरली मैंने आज तक इतनी हसल नहीं की जितनी को आज मुझे करनी पड़ी है। वो तो इतनी दिमागी टेंशन और इतना क्या किस वजह से बिल नहीं जमा हो रहा था भाई जान। किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, कोई चांस ही नहीं बिल जमा हो रहा था। हर बैंक की हर ब्रांच में गया, कभी कभी कह रहा था हो रहा था, अभी भी सिस्टम बंद हो गया ये वो। पता शाम का टाइम टेंशन और पड़ रही थी क्योंकि भाई आपको पता बिल जितने आ जाते हैं, फाइन और लगना था इतना हैवी। लास्ट डेट थी और फाइनली इतनी मुश्किल से मैं लिटरली घर से, मैं अपो घर चौक टाउन शिप हर जगह हुआ या कहीं नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट मैं अभी यहाँ पर जमा करवा आया हूँ। और टेंशन लिटरली होती है ना वो ख़त्म हो गई है। बस अब ये रोड देख लो और मैं अब घर जा रहा हूँ यार। भूख भी इतनी लगी यार, असर की नमाज नहीं यार अभी तक पढ़ी, वो पढ़ता हूँ जाके। जब सबसे पहले घर आ गए फाइनली भाईजान, काम आज के जो थे
वो कंप्लीट हो गई और जो बिल वाली जो टेंशन दिमाग में पड़ गई थी ना, वो लिटरली वीडियो से समझ नहीं आ रही होगी जितनी मेरी आज भाग दौड़ लगी है। लेकिन लेकिन एनर्जी तो खत्म नहीं हुई क्योंकि घर आए हैं और यहाँ पर कौन आया हुआ है? अरे ब्रियो ब्रियो ब्रियो, ये क्या यार, ठंडा ठंडा अली, हर आज अली से कोई भी बात करो ना, अरे ब्रो एनर्जी कहाँ पे है आपकी? आप बिल जमा करवाने थोड़े ना गए थे बिल जमा, तो मैं टेंशन ले रहा था। और ये क्या नजर आ रहा है मुझे हाथ में? WCC3। और ये फ्री फायर? यार ये फ्री फायर भी ना इसकी खत्म करवानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। अहमद अहमद के साथ खेल रहा है, अहमद को जरा बाहर जाके देखते ना अहमद का क्या सीन है। एम और ब्रो ये एक मिनट जरा मुझे बात था ना, WCC जो 3 है कैसी गेम है मुझे बस ये बताओ, मुझे बस ये बताओ। उसमें मुझे बैटिंग इतनी अच्छी थी लेकिन बॉलिंग मैंने 10 पे टीम बुक कर दी। ब्रो WCC 3 तो मैंने नहीं खेली, गेम में अगर कोई गेम है ना लिटरली WCC 2 जितनी मैंने खेली है ना और किसी ने नहीं खेली होगी। मतलब उसके हर हैक मुझे आते हैं और टेस्ट मैच में लगाता होता था जब हम गेम खेलते होते थे। और भी मैं गेम नहीं खेली और मुझे अभी लिटरली अब्दुल्ला दी ने नाम लिया ना WCC 3 का, तब जाके मुझे याद है कि हाँ मुझे पहले लगता था मैं गेम को कोई नहीं खेलता, लेकिन अब मुझे याद है गेम में खेलता होता था कि वो WCC 2 टेस्ट मैच लगाता था, अगली टीम को बुक 10-15-20-30 पे कर देता था, सारा सारा 5-5 दिन बैटिंग चल रही होती थी, ये सीन था। तुम लोग खेलो गेम, मैं जरा देख के आता हूँ यार बाहर कोई सीन है क्रिकेट वगैरह का, इन लोगों का तो ये सीन है, चलो देख लेते हैं देख लेते हैं। हाँ भाई साइकिलिंग चल रही है, क्या सिस्टम है खेलने खुलने का है? सुबह स्कूल से आ चुका है? स्कूल गया था कि नहीं गया था? क्यों नहीं गया स्कूल? रात को तुम 12 रबीउल अव्वल का फिरते रहे हो ना, पहाड़ियाँ पुड़ियाँ देखते रहे हो। बस तू पहले तो सलाम तो ले ले भाई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला 2, ये भी अब्दुल्ला भाई, इसे बता बता इन लोगों को क्या नाम है इसका, लेकिन ये अब्दुल्ला शफीक है, ये असली वाला अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल? देखिए तलफ़ुज अब्दुल्ला का भी तलफ़ुज। अब्दुल्ला तू गया स्कूल आज के? तूने भी गया रात को? तुम लोग छोड़ जल्दी सो गए थे, ये फिरता रहा रात को। उस्ताद तूने भी कल, इसने भी रैली में जरा हैवी माल इकट्ठा किया है ना, क्या क्या लिया, हैवी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। इस दफ़ा नहीं मज़ा आया, इस दफ़ा ज़्यादा माल इकट्ठा नहीं हुआ मेरे ख्याल से। इन्हें इन्हें रैली में गर्ल सिर्फ यही होता है कि माल कितना इकट्ठा होना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉल के साथ खेलने कूदने कोई सीन नहीं है, अहमद भी घर में कह रहा है, अहमद क्या कह रहा है अब्दुल्ला जरा बताई। ओह माय गॉड अहमद, इतने आज सेलिब्रेशन होनी चाहिए यार, अहमद नहा रहा है यार, ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं भी अंदर ही जा रहा हूँ, कोई सीन नहीं है खेलने का, बिजी रहो दिन का लिटरली पता ही नहीं चलता। देखो दिन शुरू कैसे हुआ था और भाग दौड़ में सारा दिन आए खत्म भी हो गया, अब थोड़ी सी आए सुकून में बैठे हैं थोड़ा सा। मैं सच एक किस्सा सुनाता, मैंने एक बात सुनानी थी, इतनी को लेवल मेरे साथ सीन हुआ है ना सुबह सुबह, मैंने कहा आज बताता हूँ आज की वीडियो में, लेकिन जितना को हसल में इतना बिजी डे गुजरा बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन वीडियो के एंड पे मैंने कहा चलो बता देते हैं। ब्रो सीन ये हुआ, मैं सुबह मेरी आंख खुली, मैं रात को बड़ी थकावट हो गई थी, लेट हो गई थी सोते हुए और थक गए थे फुल, तो ना मैं बहुत नींद आ रही थी। सुबह मेरी आंख खुली, सुबह मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार आज ना, मुझे पता था मैच है सुबह सुबह, मैंने कहा यार सुबह, ये नहीं मुझे पता था सुबह सुबह मैच है, मैंने कहा देखता हूँ यार मैच है कितने बजे आज, मैं दुआ मैंने कहा अल्लाह 11 बजे मैच हो, सुबह 7 बजे ना हो, क्योंकि मैच मैंने मिस करना नहीं यहाँ, तो मैंने कहा अगर हुआ ना तो शायद आज अपना मैच मिस हो जाए 7 बजे अगर मैच हुआ। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा शिट यार बांग्लादेश के साथ भी होता है, मैं छोड़ देता, मैंने कहा न्यूजीलैंड के साथ मैच है और सुबह 7 बजे और मुझे लिटरली इतनी नींद आ रही थी, इतनी हालत खराब थी, मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ है। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठा था कि कंसिस्टेंटली मैच होंगे, एक भी बीच में ब्रेक नहीं आएगी, मैं बस ऐसे दुख में मैं फ़ोन रखने लगा हूँ, मैंने कहा चल डेट तो देखता हूँ भाई, मैंने डेट देखी, मैंने फ़ोन के ऊपर देखा, मैंने कहा डेट, वो मैंने कहा भाई कैसी अल्लाह ताला ने सुनी गई है, लिटरली मेरा दिमाग बन गया, मैंने कहा यार मेरे दिमाग में टेंशन, मैंने कहा ब्लॉग भी बनाना है, सुबह उठना भी जल्दी पड़ेगा, थकावट भी हुई पड़ी है, नींद भी पूरी नहीं होगी, मसला बहुत खराब है। लेकिन जब मैंने डेट देखी, मैंने कहा आए हाय सुकून से सो, इन लोगों का तो यार है कि टैबलेट गेमिंग और सब कुछ खत्म तो नहीं हो रहा है। हम तो अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, बड़ी देर बाद इस तरह का बिजी टायर्ड वाला हसल वाला ब्लॉग आ चुका है, तो एंजॉय किया होगा उम्मीद करता हूँ ब्लॉग, तो आज की वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो आज की वीडियो को तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। लेकिन बात सुनो कल दोबारा यार सुबह मुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कल की जब वीडियो आएगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब दबाओगे फिर ही तो पता चलेगा। तो शाब ब्रो जल्दी से दबा लो और जल्दी तक अम्मा भी ग्राफ इंशाल्लाह ऊपर से ऊपर ज्यादा से ज्यादा चाहिए और जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि कल मिलते हैं और देखते हैं क्या, दुआ करो मैच वो जी। अभी मुझे अभी थकावट सारे दिन की हो गई है और कल दोबारा सुबह 7 बजे उठना है मेरे को।